भारत में तरह तरह के फल और सब्जियों की खेती होती है। इनमें से कुछ फल सदियों से उगाए जा रहे हैं और अब किसानों के लिए कमाई का अच्छा जरिया बन गए हैं। औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण फल के अलावा भी अलग अलग तरीके से इनका इस्तेमाल हो रहा है। उत्पादन कम और मांग ज्यादा होने के कारण कंपनियां किसानों के साथ मिलकर भी इनकी खेती करा रही है। ऐसा ही एक फल है पैशन फ्रूट। इसे भारत में कृष्णा फल के नाम से जाना जाता है। पैशन फ्रूट दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खाया जाता है। इसकी 500 से अधिक किस्में हैं। पैशन फ्रूट पोषक तत्व और खनिज और विटामिन से भरपूर होता है। इसमें पोटेशियम, तांबा, फाइबर सहित कई अन्य विटामिनों की मात्रा काफी ज्यादा होती है। पाचन शक्ति बढ़ाने के साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने, सूजन कम करने और एजिंग को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। भारत के कुर्ग, नीलगिरी और मालाबार के इलाके में भी इसकी खेती है। पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में भी बड़ी मात्रा में इसकी खेती होती है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हाल के समय में मणिपुर में इसका उत्पादन काफी मात्रा में हो रहा है। अंगूर की तरह दिखने वाला यह फल पूर्वोत्तर भारत में कई रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियों से वहाँ के लोग सब्जी बनाकर खाते हैं। पैशन फ्रूट पहाड़ियों पर अच्छी मात्रा में उगता है। इसके फसल के लिए ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती। 15 डिग्री से अधिक और 30 डिग्री तक तापमान रहने से इसकी पैदावार अच्छी होती है और फलों की गुणवत्ता भी सही रहती है। इसकी खेती के लिए सूखी रेतीली मिट्टी को सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी रोपाई के लिए मानसून के शुरुआत का समय सबसे उपयुक्त रहता है। 1 हेक्टेयर में 20 टन तक होती है पैदावार। रोपाई के बाद सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण जरूर होता है। रोपाई करने के 10 महीने बाद इसमें फल लगने लगता है और 15 से 18 महीने में यह कटाई के लिए तैयार हो जाता है। अगर उपज की बात करें तो यह प्रति हेक्टेयर 10 टन से ज्यादा ही होता है। अलग अलग किस्मों का असर भी उत्पादन पर पड़ता है। कुछ किस्में प्रति हेक्टेयर में 20 टन तक होती है। आगे हम आपको ऐसे और भी खबरें देते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति।